अगर दो खुदा होते तो दोनों में झगड़ा होता। तमन्ना तमन्ना जंग की लेती थी करवट जिसके सीने में, जंग की लेती थी करवट जिसके सीने में। देखिए पाकिस्तान में जितनी महफिलें होती हैं वहां मिस्रों पे दाद मिलती है। मैं चाहता हूं इंडिया में भी ऐसा होने लगे कि मिस्रों पे दाद यहां भी मिले, वरना किसी दिन कोई शायर माइक पे दम तोड़ देगा, इतनी मेहनत आप लोग कराते हैं। तमन्ना तमन्ना जंग की लेती थी करवट जिसके सीने में, तमन्ना जंग की लेती थी करवट जिसके सीने में, इजाजत गर उसे एक बार मिल जाती तो क्या होता, इजाजत गर एक बार मिल जाती तो क्या होता, जो बस नजरों की हैबत से उलट दे शाम का लश्कर, जो बस नजरों अगर उस शेर को तलवार मिल जाती तो क्या होता, अगर उस शेर को तलवार मिल जाती तो क्या होता, अगर उस शेर को तलवार मिल जाती तो क्या होता। अब यहां से मसला हाजिर करता हूं, पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं, महबूब भाई आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। अंधेरों से निकल कर रोशनी के साथ हो जाओ, अंधेरों से निकल कर, अंधेरों से निकल कर रोशनी के साथ हो जाओ, जो बगैर मांगे मशवरा दे वो सच्चा दोस्त होता है। अंधेरों से निकल कर रोशनी के साथ हो जाओ, अंधेरों से निकल कर रोशनी के साथ हो जाओ, अभी भी वक्त है मौला अली के साथ हो जाओ, अभी भी वक्त है मौला अली के साथ हो जाओ, अंधेरों से निकल कर रोशनी के साथ हो जाओ। सबसे अच्छा यही वाला, अंधेरों से निकल कर रोशनी के साथ हो जाओ, अंधेरों से निकल कर रोशनी के साथ हो जाओ, अभी भी वक्त है मौला अली के साथ हो जाओ, अभी भी वक्त है मौला अली के साथ हो जाओ, हयात भी हुसैन बिने अली तकसीम करते हैं, हयात भी हुसैन बिने अली तकसीम करते हैं, कफन लो करबला से जिंदगी के साथ हो जाओ, कफन लो करबला से, कफन लो करबला से जिंदगी के साथ हो जाओ, कफन लो करबला से जिंदगी के साथ हो जाओ, कफन लो करबला से जिंदगी के, हालांकि इतना अच्छा पढ़ नहीं रहे अभी, कफन लो करबला से जिंदगी के साथ हो जाओ। मैं आपको शेर सुनाना चाह रहा हूं लेकिन आप महफिल सुनना चाह रहे हैं। कफन लो करबला से जिंदगी के साथ हो जाओ, तबर्रा हम पे जो वाजिब है औ जब हो ही जाएगा, तबर्रा हम पे जो वाजिब है औ जब हो ही जाएगा। देखिए दाद देने के लिए कोई यह जरूरी नहीं शेर समझ में आए तभी दाद दीजिए, ना समझ में आए तब भी बोलिए। तबर्रा हम पे जो वाजिब है औ जब हो ही जाएगा। देखिए महफिल का ये दस्तूर है, ये नियम है, शेर समझ में आए ना आए, अच्छा लगे ना लगे, जब घर से आ गए तो वाह वाह करना ही पड़ेगा।
तबर्रा हम पे जो वाजिब है ओ जब हो ही जाएगा, तबर्रा हम पे जो वाजिब है ओ जब हो ही जाएगा। अली का लाल जिस दम पर तय गैबत से आएगा, जमाने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, जमाने तबर्रा हम पे जो वाजिब। देखिए फूल फेंकने के लिए मना नहीं है लेकिन इतना हिस्सा छोड़ के फेंकेगा। तबर्रा हम पे जो वाजिब है ओ जब हो ही जाएगा, तबर्रा हम पे जो वाजिब है ओ जब हो ही जाएगा। अली का लाल जिस दम पर दये गैबत से आएगा, जमाने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जला। हैदर है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ बचना कुछ नहीं चाहिए। तबर्रा हम पे जो वाजिब है ओ जब हो ही जाएगा, तबर्रा हम आजकल नाराज चल रहे हैं आप हमसे। तबर्रा हम पे जो वाजिब हम पढ़ते हैं तो बड़े बड़े गौर से सुनने लगते हैं। तबर्रा हम पे जो वाजिब है ओ जब हो ही जाएगा, अली का लाल जिस दम पर दये गैबत से आएगा। देखिए मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है, मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए था। तबर्रा हम पे जो वाजिब है ओ जब हो ही जाएगा, अली का लाल जिस दम पर दये गैबत से आएगा। जमाने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा। मेरा लानत शिया अकीदत ही से पहचाने जाते हैं। तबर्रा हम पे जो वाजिब है ओ जब हो ही जाएगा, अली का लाल जिस दम पर दये गैबत से आएगा। वो तो जाहिद भाई आपका शुक्रिया कि आपने माइक की तारीफ पहले ही कर दी, वरना मैं करता तो लोग नाराज हो जाते। तबर्रा हम पे जो वाजिब है ओ जब हो ही जाएगा, अली का लाल जिस दम पर दये गैबत से आएगा। जमाने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा, मेरा मौला फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा। समझने की कभी उम्मत ने कोशिश ही न की वरना, समझने की कभी उम्मत ने कोशिश ही न की वरना, समझने की कभी उम्मत ने आप समझने कोशिश करिएगा, समझने की कभी कोशिश उम्मत न की वरना। दलीले अजमत सरकार पर सलमान काफी था, दलीले अजमत सरकार पर सलमान काफी था। अली से क्यों मदद मांगी कहा लौला अली क्यों कहे, फुला साहब को जब अल्लाह हका कुरान काफी था, फुला साहब को जब तबर्रा दिल से नहीं लगाए दबाव लगाए। तबर्रा हम पे जो वाजिब है ओ जब हो ही जाएगा, अली का लाल जिस दम पे दये गैबत से आएगा। जमाने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, मेरा मौला
फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा मेरा मौला, फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा मेरा मौला, फिदक के चोरों को जिंदा जलाएगा। वो फिर भी ईंट की दीवार थी, दर बन गया उसमें, थोड़ा सा जुड़ के सुन लीजिए, वो फिर भी ईंट की दीवार थी, दर बन गया उसमें, खुदा लोहे की भी दीवार में रास्ता बना देता। वो फिर भी दीवार थी, दर बन गया उसमें, खुदा लोहे की भी दीवार में रास्ता बना देता। अगर बिनते असद जाती नहीं दहलीज़ काबा तक, अबू तालिब के घर को ही खुदा काबा बना देता, अबू तालिब के घर को ही खुदा। समझने की कभी उम्मत ने कोशिश ही न की, वरना दलीले अजमत सरकार पर सलमान काफी था। अली से क्यों मदद मांगी कहां लौला अली, क्यों कहे फुला साहब को जब अल्लाह का कुरान काफी था, फुला साहब को जब अल्लाह का कुरान काफी था। वो फिर भी ईंट की दीवार थी, दर बन गया उसमें, वो फिर भी ईंट की दीवार थी, दर बन गया उसमें, खुदा लोहे की भी दीवार में रास्ता बना देता। अगर बिनते असद जाती नहीं दहलीज़े काबा तक, अबू तालिब के घर को ही खुदा काबा बना देता, अबू तालिब के घर को ही खुदा काबा बना देता। जहाने जुल्म हर लम्हा, जहाने जुल्म हर लम्हा पे आजार बैठे हैं, जहाने जुल्म हर लम्हा पे आजार बैठे हैं, मगर वो क्या करे दिल में मेरे मुख्तार बैठे हैं, मगर वो क्या करे दिल में मेरे मुख्तार बैठे हैं। नबी आले नबी के तज़किरे से जिनको नफरत है, चले जाए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं, चले जाए वो महफिल से, चले जाए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। जहाने जुल्म हर लम्हा पे आज़ार बैठे हैं, मगर वो क्या करे दिल में मेरे मुख्तार बैठे हैं। नबी आले नबी के तज़किरे से जिनको नफरत है, चले जाए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं, चले जाए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं। अभी शेर पर पूरे मजमे की तवज्जो, चले जा ए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं। वो जिनको हमने देखा था शराबों की दुकानों पे, वो जिनको हमने देखा था शराबों की दुकानों पे, दूसरे मिसरे पर जुड़िएगा, वो जिनको हमने देखा था शराबों की दुकानों पे, वो जिनको हमने देखा था शराबों की दुकानों पे, वो बनकर आजकल मजहब के ठेकेदार बैठे, आजकल मजहब वो बनकर आजकल मजहब के ठेकेदार बैठे हैं, वो बनकर आजकल मजहब के ठेकेदार बैठे हैं। जहाने जुल्म हर लम्हा पे आज़ार बैठे हैं, मगर वो क्या करे दिल में मेरे मुख्तार बैठे हैं। नबिया ले नबी के तज़किरे से जिनको नफरत है, चले जा ए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं। वो जिनको हमने देखा था शराबों की दुकानों पर, वो बनकर आजकल मजहब के ठेकेदार बैठे हैं। अगर जन्नत में जाना है अज़ाखाने में आ जाओ, अगर जन्नत में जाना है अज़ाखाने में आ जाओ, अज़ाखाने के अंदर खुल्द के स...
सरदार चले जा ए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठ एक ही बार बहुत चले जा ए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं भाई आप कह रहे हैं तो दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूँ एक 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 मजाहिया शायर एक महफिल में पढ़ रहे थे जिसकी रदीफ थी जागते रहो तो जब वो कलाम खत्म हो गया तो इधर से एक साहब खड़े हुए बोले साहब क्या कलाम एक बार फिर पढ़ दीजिए तो उन्होंने फिर पढ़ दिया जागते रहो जब फिर खत्म हो गया तो उधर से एक साहब उठे बोले साहब क्या अच्छा पढ़ रहे हैं एक बार फिर पढ़ दीजिए तो उसने कहा तीन बार पढ़वा लिया खैरियत तो है तो लोगों ने कहा कि आज हमारा चौकीदार बीमार है मैं चाहता हूँ रात भर आप ही जागते रहो तो ऐसा तो नहीं चले जा ए वो महफिल से यहाँ बे चले जा ए वो महफिल से यहाँ चले जा ए वो महफिल से यहाँ बेकार बैठे हैं अगर जन्नत में जाना है अजा खाने में आ जाओ अजा खाने के अंदर खुल्द के सरदार बैठे हैं अजा खाने के अंदर खुल्द के सरदार बैठे हैं अगर हम अपने मौला को मानते हैं तो मेरा मौला मुझे कितना मानता मौला दफ मैं अजा खाने के अंदर खुल्द के सरदार बैठे हैं अजा खाने के अंदर खुल्द के सरदार बैठे हैं अजब तुर्बत का आलम है बताता हूँ पूरे मजमे की तवज्जो अजब तुर्बत का आलम है बताता हूँ अजब तुर्बत का आलम है बताता हूँ अजब तुर्बत का आलम है लेटा हूँ सरहाने हैदर करार बैठे मैं लेटा हूँ सरहाने हैदर करार बैठे हैं हैदर 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 रंग तस्वीर यूसुफ के सारे रंग तस्वीर यूसुफ के सारे और ही कुछ निखरने लगे हैं थोड़ा सा जुड़ के सुन लीजिएगा रंग तस्वीर यूसुफ के सारे वो दूसरे शायर हैं जो दाद के साथ और मजमे के साथ एक घंटा पढ़ते हैं मैं बगैर दाद के और बगैर मजमे के भी एक बगैर दाद के और बगैर मजमे के भी एक घंटा पढ़ लेता हूँ तो आप थोड़ा सा मुझे जुड़ के सुनिए रंग तस्वीर यूसुफ के सारे रंग तस्वीर यूसुफ के सारे रंग तस्वीर यही रोक दीजिए रंग तस्वीर यूसुफ के सारे और ही कुछ निखरने लगे हैं बस थोड़ा सा जुड़ के सुनिए रंग तस्वीर यूसुफ के सारे और ही कुछ निखरने लगे हैं रंग तस्वीर यूसुफ के सारे रंग तस्वीर यूसुफ के सारे और ही कुछ निखरने लगे हैं क्या इधर आने वाले हैं अकबर क्या इधर आने वाले हैं अकबर आईने भी संवरने लगे हैं आने वाले बहुत शुक्रिया क्या इधर आने वाले हैं अकबर आईने भी सवरने लगे हैं क्या इधर आने वाले हैं अकबर आईने भी बड़े भाई कोई गलती हो माफ करिए रंग तस्वीर यूसुफ के सारे और ही कुछ निखरने लगे हैं अगर इतनी ही मोहब्बतों के साथ आप शायर को सुनेंगे तो कोई शायर आपकी समातों का इम्तिहान नहीं लेगा रंग तस्वीर यूसुफ के सारे और ही कुछ निखरने लगे हैं मजहर है साथ रहा बेजली से मजहर साथ रहा बेजली से दूर रह के जिक्र अली से रात की वहशतों को तो छोड़ो लोग दिन ही में डरने लगे हैं
रात की वहशतों को तो छोड़ो, रात की वहशतों को तो छोड़ो, लोग दिन ही में डरने लगे हैं, क्या इधर आने वाले हैं अकबर, आईने भी सवरने लगे हैं। और शेर पर एक एक शख्स की तवज्जो, पूरे मजमे की तवज्जो चाहता है मौलाना फरमाए, क्या इधर आने वाले हैं अकबर, आईने भी सवरने लगे हैं, क्या इधर आने वाले हैं अकबर, आईने भी सवरने लगे हैं। पूरे मजमे की तवज्जो, चलते चलते जुलूस एक रुका है, चलते चलते जुलूस एक रुका है, ताजिए पर अलम भी झुका है, चलते चलते जुलूस एक रुका है, ताजिए पर अलम भी झुका है, राह में रुक के दो भाई जैसे, राह में रुक के दो भाई जैसे, बात आपस में कहने लगे हैं, राह में रुक के दो भाई जैसे, राह में रुक के दो भाई, राह में रुक के दो भाई जैसे, बात आपस में कहने लगे हैं, किस में हिम्मत है अब कौन आए, आके मौजों की मैयत उठाए, किस में हिम्मत है अब कौन आए, आके मौजों की मैयत उठाए, रूह दरिया की खिंचने लगी है, मश्क अपास भरने लगे हैं, रूह दरिया की खिंचने लगी है, मश्क अपास भरने लगे। बहुत शुक्रिया।